गुड मॉर्निंग इंडिया दोस्तों, आपका दोस्त और होस्ट राकेश मिश्रा ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो, आपसे 12,000 किलोमीटर दूर यहां से हाजिर है इस मंडे मॉर्निंग की मोटिवेशन सभा में। दोस्तों चलिए इस सप्ताह की शुरुआत करते हैं कुछ मोटिवेशनल टॉपिक से और कुछ एनर्जी ऐड करते हैं, और आशा करते हैं कि आपका जो वीकेंड था सैटरडे संडे बहुत ही मौज मस्ती भरा और खुशहाल रहा होगा। सो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की। थोड़ा लेट हो जाता है, थोड़ा 5-10 मिनट 15 मिनट थोड़ा प्रिपरेशन करने में लग जाता है, वो पहले भी कर सकता हूं, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये मंडे मॉर्निंग की सभा। दोस्तों इसके पहले आज मैं सभा शुरू करूं, एक हमारे वर्चुअल कोच है हमारे जिग जिगलर साहब, तो उनके कोच से शुरुआत करते हैं। तो जिग जिगलर साहब कहते हैं दोस्तों कि व्हाट एवर यू वांट इन योर लाइफ यू विल गेट इट फॉर श्योर इफ यू जस्ट हेल्प एनफ नंबर ऑफ पीपल व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ। दोस्तों फिर से रिपीट करना चाहूंगा, इस डायलॉग ने, इस कोट ने, इस स्टेटमेंट ने मेरी जिंदगी बदल दी। जब 15 साल पहले मैंने ये कोट पढ़ा था जिग जिगलर साहब का, और मैं उनका फैन हो गया। अभी तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका जितना भी काम है, बुक्स हैं, वीडियोस हैं, दैट कैन चेंज योर लाइफ इफ यू गो टू यूट्यूब एंड वॉच। सो अगेन आई विल रिपीट दैट डायलॉग, आई मीन दैट कोट फ्रॉम जिग जिगलर, एंड जिग जिगलर सेज that whatever you want in your life you will get it if you help enough number of people what they want in their life. Profound, isn't it? कितना जबरदस्त है। अच्छा दोस्तों इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, दोस्तों आप टाइप करके बताइएगा मेरे को कि आवाज क्लियर आ रही है, सही आ रही है। जस्ट टाइप यस आर नो। तो इसके पहले मैं बहुत सारा बोल जाऊं और बाद में थोड़ा सा आवाज में मुश्किल आती है कभी कभी दोस्तों, तो कैन समवन टाइप मी प्लीज दैट यू आर एबल टू हियर मी करेक्टली। जस्ट टाइप यस एनीबडी। ओह नाउ आई एम काइंड ऑफ लिटिल फीलिंग नॉट गुड, प्रॉब्ली यू मे नॉट एबल टू लिसन। कैन समवन टाइप मी प्लीज यस इफ यू आर एबल टू हियर मी क्लियरली। प्लीज टाइप यस वाई आर यस इफ यू आर एबल टू हियर मी। जीतू सिंह थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। ओके दोस्तों, या मैं अंडरस्टैंड आप लोग कुछ ड्राइव कर रहे होंगे, इस पोजिशन में होंगे कि नहीं टाइप कर सकते, या जस्ट यू नो लिटिल लेजीनेस, सो दैट्स फाइन। सो थैंक यू वेरी मच। या सो वो कोट था, थोड़ा सा उसको आसान करते हैं उस कोट को। दोस्तों हमने पढ़ लिया कि यू नो व्हाट एवर यू वांट इन योर लाइफ यू विल गेट इट इफ यू हेल्प एनफ नंबर ऑफ पीपल व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वी ऑल वॉन्ट हैप्पीनेस, वी ऑल वॉन्ट टू बिकम रिच। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि लास्ट टाइम आपने अपने परिवार के अलावा कौन कभी कोई ऐसा स्टेप लिया है अभी जल्दी में जिससे किसी दूसरे को खुशी मिली हो। जस्ट सोचिए कि डिड यू मेक एनी बडी एल्स हैप्पी आउट ऑफ योर फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स, एनी बडी हैप्पी। लाइक आप ट्रेन में जा रहे हैं, किसी को आपने सीट दे दी हो, या किसी की आपने हेल्प कर दी हो, किसी को एक ऐसी सलाह दे दी हो, कोई ऐसे बूढ़े माँ बाप रहते हैं किसी घर में जिनके के बच्चे हो सकता विदेश में रहते हों, या हो सकता किसी और शहर में रहते हों, कोई उनसे बात करने वाला नहीं है, कभी जाके अपनी बाइक या कार या साइकिल या वॉक से रुक करके बोल दिया हो कि सर या अंकल या आंटी कोई आपको जरूरत नहीं है, कोई मुश्किल तो नहीं है, कभी खाली पूछ लिया हो। दोस्तों हेल्प, किसी को खुशी देनी है तो पैसा ऐसे ही नहीं होता है, हम पूछ भी सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछें, आप लोग जरूर करते होंगे, अगर नहीं करते हैं यार नहीं किए जल्दी में तो करके देखें, बहुत खुशी होगी अपने आप को। और दूसरी बात रिच बनने के लिए, कभी आपने अपने फैमिली और अपने क्लोज सर्कल के अलावा किसी को रिच बनने में कोई हेल्प की है? रिच बनने में देखो दो तरीके से हम आप हेल्प कर सकते हैं, किसी को जॉब के लिए हेल्प कर सकते हैं, या किसी को ज़्यादा पैसे दिलाने के तरीके बता सकते हैं, या किसी के पैसे बचा सकते हैं, पैसे बना के भी रिच कर सकते हैं किसी को, और किसी के पैसे बचा के भी रिच कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम मेन अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पे भी टाइप किया और आपने देखा हो
होगा कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत जबरदस्त टॉपिक है। क्या होता है कि मैं जो टॉपिक पिक करता हूँ अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, जब पार्टीज में जाते हैं, हम इंडिया जाते हैं और घूमते हैं, रिश्तेदारों में जाते हैं या लोगों से बात करते हैं, तो आम डायलॉग जो होते हैं, और वो एक डायलॉग आपने जरूर सुना होगा। इसके पहले मैं डायलॉग बोलूँ, थोड़े से मैं जल्दी से क्या कहते हैं एक दो नाम ले लूँ जिन लोगों ने ज्वाइन किया है। तो हमारे अली रजा बासेफत साहब ने ज्वाइन किया है, रघुवीर चौहान जी ने ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच। पॉल सिद्धू साहब ने ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच। डेरेक मार्टिन, थैंक यू वेरी मच। थॉमस रुआजो, थैंक यू वेरी मच। डेविड क्लार्क, थैंक्स लॉट। करण खाटकर साहब, थैंक यू वेरी मच। ज्योति सिंह भाई, थैंक यू वेरी मच। हरकांत पटेल जी, थैंक्स लॉट। नजीब हसन साहब, थैंक यू वेरी मच। अतुल मिश्रा जी, थैंक यू वेरी मच। ध्रुव गुप्ता जी, थैंक यू वेरी मच। परमजीत सिंह सिद्धू जी, थैंक्स लॉट। एजाज कुरैशी साहब कनाडा वाला, थैंक यू वेरी मच। प्रवीण पटेल भाई, थैंक यू वेरी मच। एवरीबडी, एंड आई सी सम ऑफ द नेम प्रॉब्ली दे आर नॉट दिस इंग्लिश स्पीकिंग, सो आई एम रियली सॉरी, बिकॉज ये जो प्रोग्राम है ये इंग्लिश में, मेरा दिल खुश हो जाता है मैं जब इंग्लिश बोलता हूँ। इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी में पैदा हुआ और अभी इंग्लिश में आगे बड़ा हो रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए इंग्लिश में प्रोग्राम है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों समझते हैं दोस्तों। सो आई एम रियली सॉरी फॉर द इंग्लिश ऑडियंस, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू दैट यू ज्वाइन मी, एंड बीच बीच में मैं हिंदी भी बोलता रहता हूँ और इंग्लिश भी बोलता रहता हूँ, तो हिंदी और इंग्लिश में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का, वो टॉपिक ये है कि आपने घर में सुना होगा कि जब कई लोग बोलते हैं नोबडी अंडरस्टैंड मी इन दिस हाउस, मुझे इस घर में कोई समझता ही नहीं है, या मुझे इस घर में कोई समझने की कोशिश नहीं करता है। और दोस्तों, वो आपकी ग्रैंड माँ हो सकती हैं, वो आपके ग्रैंड पा हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती हैं, वाइफ हो सकती है, सिस्टर हो सकती हैं, ब्रदर हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, और कोई भी मेंबर हो सकता है, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये आपने सुना होगा ये डायलॉग, और ये डायलॉग बहुत खतरनाक भी हो सकता है घर में परेशानियाँ, क्योंकि अगर घर में खुशहाली नहीं दोस्तों, तो कभी कभी डजंट रियली मैटर हाउ मच मनी यू मेक, हाउ मच बिग कैरियर एंड टाइटल यू होल्ड, हाउ मच बिजनेस यू हैव, हाउ बिग हाउस एंड हाउ बिग कार यू हैव, हाउ मच बैंक बैलेंस समटाइम्स, देर इज नो मेंटल पीस, देर इज नो हैप्पीनेस इन द फैमिली, दैट रिजल्ट्स इनटू अनहैप्पी योर माइंड, योर पर्सनैलिटी, एंड दैट रूइंस एवरीथिंग। यू डोंट इंजॉय योर ओन अर्निंग, यू डोंट इंजॉय योर ओन अचीवमेंट्स, रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन। दोस्तों, इसके लिए फैमिली में खुशहाली होना बहुत जरूरी है। तो कोई भी अगर ये डायलॉग बोलता है, बोलने की कोशिश करता है, इसका मतलब है कि हम पूरे परिवार को बैलेंस करके चलना है, तो उसको हमें सुनना पड़ेगा। तो जैसे दोस्तों हमने बताया कि मैं इसमें तरीके भी बताऊंगा कि 5 ways टू स्टॉप दिस डायलॉग यू नो फॉर एवर इन योर फैमिली एंड लिव हैप्पीली फॉर एवर। तो मैं 5 तरीके भी बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो क्या होता है, चलिए तरीका नंबर 1। और दोस्तों, आप जो है आप खुद में क्या कहते हैं कि आप अपने शेयर कर सकते हैं, मैं 5 तरीके बताऊंगा, लेकिन आई विल बी रियली रियली हैप्पी इफ यू कैन शेयर कोई आप तरीका खुद कि हाँ भाई, ये डायलॉग जो फैमिली में मारते हैं कि हमारी कोई दादी माँ बोलती हैं अरे हमें तो कोई इस घर में समझता ही नहीं है, बेचारी ऐसे डायलॉग मारती रहती हैं, तो अब बताइए कि आप उसका सलूशन क्या देंगे, है ना। आप टाइप कर सकते हैं, और आप ये भी टाइप कर सकते हैं कि ये डायलॉग कभी सुना कि नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने ऑडियंस से कि प्लीज टाइप इफ यू हैव heard this dialogue in your family in whatever language, just type yes or type no, you can type y or you can type n, please go ahead, okay। तो चलिए मीन टाइम हम आते हैं, सबसे पहला जो तरीका है, हम इस डायलॉग को फैमिली में जो लोग बोलते हैं कि अरे हमें तो इस घर में कोई समझता नहीं, और उसकी वजह से क्या होती है कि फैमिली में कलह, फैमिली में डिस्टर्बेंस, फैमिली में खुशहाली का माहौल ख़त्म हो जाता है दोस्तों। अगर कोई ऐसे डायलॉग मारते हैं, इसका मतलब वो हमारा फैमिली मेम्बर, वो हमारा फैमिली सदस्य खुश नहीं है, और इसका मतलब है कि देर इज़ नो पॉइंट, लाइक यू नो कि आधे लोग खुश हैं, या कोई भी एक मेम्बर अगर ऐसा है, इसका मतलब हमारे ज़्यादातर सीनियर लोग होते हैं वही उनकी ये प्रॉब्लम होती है, मोस्ट ऑफ टाइम लेडीज की होती है, क्योंकि जेंट्स में भी होती है, जेंट्स नाम भी बोल नहीं पाते हैं, तो
ये हमें उनको इस डायलॉग बोलने से बचाना चाहिए। तो चलिए हम आते हैं पहले तरीके पे कि फर्स्ट वे हाउ टू सेव। तो दोस्तों ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, विद ऑल डिस्क्लेमर जो मैं बोल रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस शो कर रहा हूँ, अपने दोस्तों का या अपनी फैमिली का खुद का या अपने रिश्तेदारों का जो सुनता है जो ऑब्जर्व किया है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। कोई भी प्रैक्टिस अपने ऊपर अप्लाई करें और अपने आप खुद अपने रिस्क पे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मेरी कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं, मैं तो केवल अपने शेयर करता हूं। अच्छा लगे आपको तो सहमत हो तो अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलिए पहला तरीका है कि हम इस डायलॉग को कैसे बंद करें दोस्तों, वो है कि हैव ओपन डायलॉग विद कंसर्न पार्टी। क्या मतलब हुआ इसका कि जब मैं बोलता हूं कि ओपन डायलॉग, इसका मतलब कि सपोज किया कि आपकी दादी माँ है और दादी माँ आपकी कनाडा में रह रही हैं, आपने अपनी मम्मी पापा को ले आए और आपके बच्चे हैं और वाइफ है तो दादी माँ है, अब वो बिचारी यहाँ पे आ गई, अब वो बोलते हैं अरे मुझे तो कोई सुनता नहीं। या कोई इंडिया में भी हो सकता है, किसी भी कंट्री में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, यूरोप में, कहीं पर भी, ये तो हर जगह होता है। जब मैं इंडिया में था तो लोग बोलते थे अरे सासू माँ का जो करेक्टर है वो बड़ा मतलब जबरदस्त करेक्टर होता, तो मैं सोचता था ये सासू माँ करेक्टर है वो हमारे इंडिया पाकिस्तान उन्हीं मुल्कों में थोड़ा सा माना जाता है कि बहुत ही यू नो वेरी स्ट्रिक्ट एंड यू नो तो वो करेक्टर है। लेकिन जब यहाँ पे आए तो लोग यूरोपियंस को देखा, अमेरिकन्स को देखा, तो ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल जो हमारा सासू माँ करेक्टर है अब बहुत ही पावरफुल करेक्टर माना गया है दोस्तों। तो चलिए, तो मेरा मतलब जो ये था कि हैव ओपन डायलॉग, ओपन डायलॉग का मतलब मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि हम मैं कनाडा में आ गया, उसके बाद मेरी शादी हुई और मेरी वाइफ यहाँ पर रहती थी, मेरे मम्मी पापा भी आ गए, तो कभी कभी क्या होता था कि मम्मी गुस्सा हो जाती थी, कभी कभी क्या होता था कि वाइफ गुस्सा हो जाती हैं। तो अब क्या होता है कि कुछ लोग क्या है कि बायस्ड होके कि हमारी माँ है, अरे मेरी माँ को मेरी बीवी ने कैसे बोल दिया, तो लोग क्या होता है एक तरफा बिना कोई डिस्कशन के वो बीवी को डांटने लगते हैं या यू नो एक थोड़ा सा अनप्लेजेंट एनवायरमेंट हो जाता। तो मेरी आदत क्या है, मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी मम्मी से पूछता था बैठ के कि मम्मी क्या बात है, मैं दीदा बोलता था कि दीदा क्या बात है, क्या 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 परेशानी, तो दीदा की सुन लिया। उसके बाद फिर मैं क्या करता था कि फिर मैं वाइफ से बात करता था, मैंने वाइफ की सुन लिया, तो दोनों लोगों को सुन के, तो वाइफ से जब मैं बात करता था कि भाई मम्मी ऐसा बोल रही हैं, तो वाइफ बोलती थी कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, तो उसके बाद मैं सुन लेता था और सुनने के बाद वाइफ को ये समझाता था कि देखिए आप, हम लोग अभी अपने थर्टीज में, जिस एज में भी मैं था, और हमारे जो पेरेंट्स वो देर इन सिक्सटीज या सेवेंटीज या एट्टीज में होते हैं, उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है एक दूसरे टाइम में हुई है, तो उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अरे हमारी बहू है हमारी ये करें, तो क्या होता है कि दोनों को आप समझने की कोशिश करें। तो मैं अपनी वाइफ को बोलता था कि अगर हम अपने मम्मी पापा की उम्र में जाएंगे तो हो सकता है वी स्टार्ट बिहेविंग द सेम वे, थोड़ा सा क्रैंकी ऐसा कुछ भी समझ लें कि उनकी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अपने बहू से या अपने बेटे से, तो उनको समझा दिया तो उनके समझ में आ जाता था। मम्मी को समझाया कि देखिए मम्मी ऐसा है कि अब आपकी देखिए बहू है, ठीक है ये भी तो किसी की बेटी है ना, और अगर अभी इनके क्या होते हैं कि अभी आपकी उम्र में तो नहीं है, इनके भी इन लोगों की शादी होती है, अपने अरमान होते हैं कि अपने पति के साथ हम मौज मस्ती करेंगे, घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो देखिए, तो मम्मी को समझाता था कि देखिए उनको आप लोग सोचो कि यू नो कि हर टाइम से ये हो वो, ठीक है कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश उनको भी समझने की कोशिश करें कि आज के थोड़ा सा जनरेशन गैप है और जो लड़के या लड़कियां हैं आपकी बहू जरूर है लेकिन उनकी अपनी कुछ यू नो क्या कहते हैं कि इच्छाएं हैं। तो कहने ये मेरा मतलब था दोस्तों कि जब ओपन डायलॉग की बात है तो हर पार्टी से, जो आदमी भी ये बोलता है, चाहे आदमी हो, औरत हो, माँ हो, बहन हो, भाई हो, भाभी हो, कि उनसे बात करें, आप जाके अगर आप अलाउड हैं ऑफ कोर्स यू नो कि ओपनली कि भाई क्या बात क्या है। कभी कभी क्या होता है कि लोगों को खाली आप सुन लें आराम से शांति के साथ, आधी तो प्रॉब्लम उनकी वहीं सॉल्व हो जाती है दोस्तों, या कि आप उनसे खाली एक अच्छे भाव से कि हाँ चलिए भाई क्या बात है, क्यों क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई नहीं सुनता है। तो ये मेरा मतलब दोस्तों ये था कि ओपन डायलॉग उनसे करें और उसके बाद से कोई बहुत सच्चा स्ट्रिक्ट सजेशन सलाह मत दें, खाली उनको बताएं कि देखिए इसका मतलब ये भी हो सकता है, चलिए मैं दूसरी पार्टी से बात करूंगा या जिनसे कंसर्न है उस पर्सन का, जैसे आपकी दादी माँ है या आपकी वाइफ ही आपसे बात करें, तो वाइफ से बोले भाई कि अगर आपकी वाइफ बोलती कि इस घर में कोई नहीं समझता तो आप वाइफ को बताएं, कौन नहीं समझता, तो वाइफ बता सकती नहीं मेरी सासू माँ नहीं समझती, मेरे ससुर जी नहीं समझते, आप नहीं समझते, बच्चे नहीं समझते, तो ठीक है उनसे बात करें कि और आगे
वेरी स्पेसिफिक वे कि समझने का मतलब कि क्या चीजें आपको ऐसी हैं कि हो कि आपको लगे कि लोग आपको समझ रहे हैं। एनीवे आगे और बातों पे आऊंगा तो चीजें क्लियर होगी। तो दोस्तों थोड़ा सा अगर अच्छा लगा होगा तो बताइएगा। तो मेरा मतलब ये था कि जब आप की ओपन डायलॉग से मतलब उन कंसर्न पार्टी से आप खुल के बात करें, सुने कि उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी कोई नहीं सुनता। यही मैं करता था अपनी मम्मी से और अपनी वाइफ से, और फिर दोनों पार्टी को दूसरों के शूज में रखना सिखाता था। ये वाइफ को बोलता था कि आप सोचो अगर आप सासू माँ बन जाओगी आज के 30 साल बाद या 20 साल बाद या 15 साल बाद या 10 साल बाद, तो इस एज में जब चली जाओगे तो हो सकता है आपका भी व्यवहार वैसा हो जाए। उनको समझने की कोशिश करो। हर एक अरमान होते हैं कि मेरे बेटे की शादी होगी, बहू आएगी, बहू से पैर दबवाएंगे, चाय बनवाएंगे, खाना बनवाएंगे, सेवा करवाएंगे, ये होता है। थोड़ी छोटी छोटी उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, उनको हम पूरा कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों। और वाइस वर्सा कि अगर हर सासू ये समझने लगे कि हमारी बहू भी एक सच में बेटी है, अगर उसको हमने पैदा नहीं किया तो वो भी तो किसी की बेटी है, तो दोस्तों उसमें क्या होता है ना कि फिर वो उसके अंदर ये, मैं तो यहाँ सासू बहू पे लग गया पता नहीं क्यों भाई। माँ का जो है बेटे से भी तो हो सकता है कि हमारी कोई नहीं समझता, तो आप माँ को बोलें कि अगर मैं नहीं समझता बताइए माँ जी मैं क्या कर सकता हूँ, और उस तरीके से उस पर एक्शन लिया जा सकता है। ये उनको बता सकते हैं, देखिए माँ जी यहाँ पे अब जैसे कनाडा में है तो इतना पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, कभी मेहनत करते हैं आते हैं, थोड़ा दिमाग ठीक नहीं रहता, कभी बॉस से लड़ाई हो गई, या इसी तरीके से इंडिया में 3-4 घंटे लोग ड्राइविंग करते हैं और क्या क्या परेशानियां होती हैं काम पे बिजनेस पे, कभी क्लाइंट गया कभी जॉब गई, तो बहुत तरीके का दिमाग होता है। तो हर एक को समझने की कोशिश है दोस्तों, समझना चाहिए कोई आदमी घर में कोई व्यवहार ऐसा कर रहा तो क्यों कर रहा है। तो जब अब ओपन डायलॉग करेंगे तो उससे चीजें क्लियर होंगी दोस्तों। तो चलिए अभी आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे कि हम दूसरा तरीका कौन सा कर सकते हैं जिससे कि ये जो डायलॉग फैमिलीज में होता है, लोग बोलते हैं कि ओ भाई हमें तो कोई इस घर में समझता ही नहीं, नोबडी अंडरस्टैंड मी इन दिस हाउस। या तो चलिए सेकंड तरीका। तो दोस्तों सेकंड तरीका ये है कि पहला तरीका हमने बताया कि हैव ओपन डायलॉग, और सेकंड तरीका है कि हैव फैमिली ग्रुप डिस्कशंस। क्या मतलब है दोस्तों, लेट मी लिटिल एलेबोरेटिव कि ग्रुप डिस्कशन का मतलब, सपोज किया आपकी फैमिली में, सपोज किया आप हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके मम्मी हैं, पापा हैं, और आपके दो बच्चे हैं और आपकी सिस्टर है, इतने लोगों की सपोज किया फैमिली है, ठीक है। अब क्या करें कि आप क्वार्टरली फैमिली डिस्कशन करें, कोई ये डायलॉग बोलता है तो जरूर करें, अगर नहीं बोलता है तब भी क्वार्टरली या एटलीस्ट हाफ ईयरली, या नहीं है तो कम से कम साल में एक बार ये फैमिली का डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन करें। उसका क्या मतलब है ग्रुप डिस्कशन, कि सब लोग बैठ जाएं, उसके बाद ग्रुप में सबको 3 मिनट का समय दिया जाए, है ना, जो सबसे सीनियर मेंबर हैं उनसे शुरू किया जाए, माँ से कि माता जी आप 3 मिनट में बताएं कि आपको फैमिली में क्या चीज़ लग रहा है, कि कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल रही है, या आपका कुछ यू नो ऐसी चलनी चाहिए, कोई चीज़ आपको ख़राब लग रही है किसी के व्यवहार में तौर में तरीके में आपके हिसाब से, कि आप जिससे खुश नहीं हैं। ये भी हो सकता है दोस्तों कि जो आपकी माँ जी वो तो बोलेंगी तो हो सकता है कि वो वैलिड रीज़न ना हो, लेकिन वो उनकी सोच है, तो लेकिन पहले उनको आप बोलने दें। अभी आगे चल के आऊंगा तो उसका सलूशन ही बताऊंगा। तो इसी तरीके से आप अपने बच्चों से, आप बेटियों से और वाइफ से, सबसे, और आप खुद भी, तो सब लोग क्या करें कि ओपनली 3 मिनट में बोलें कि भाई मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, मुझे लगता है इससे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल, तो ओपनली सब लोग बोलें। हाँ, इस पर ध्यान ये जरूर दीजिएगा, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि हो सकता है आपकी बेटी की कुछ कंसर्न हो लेकिन सबके सामने ना बता सके, तो माँ से बात कर सकती है अकेले में, यू नो वो हो गया फर्स्ट पार्ट में, यू नो कि हैव ओपन डिस्कशन ओपन डायलॉग, वो केवल इस डायलॉग के लिए नहीं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो दोस्तों ये हो गया मेरा मतलब कि दो दो तीन तीन मिनट सबको दें, सब लोग उसको अपने अपने कंसर्न को बोलें और बाकी लोग उस पर सुने। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जब कोई बोलेगा तो उस पर ऑब्जेक्शन और तुरंत क्रॉस क्वेश्चनिंग मत कीजिए, केवल सुने उनको, और सुनने के बाद फिर क्या करें कि इंडिविजुअली, अब सपोज किया कि आपके माँ ने कोई चीज बोली जो अनकंफर्टेबल है, तो अब आप क्या करें, माँ को छोड़ के बाकी सब लोग आपस में बात करें, इंक्लूडिंग पिताजी को इंक्लूड करके, कि अच्छा ये माँ जी का कहना कितना हद तक सही है, तो हो सकता है पापा बोलने के नहीं ये सही है, आपकी वाइफ बोले, तो हो सकता है कि सब लोग एक मतलब कंसेंसस से
एक उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हो सकता कोई भी एग्री ना करे उस चीज से, माता जी के ऑब्जेक्शन से, तो सब लोग मिलकर बोलेंगे देखिए मम्मी जी ऐसा है, ये ऐसा नहीं था, मिसकम्युनिकेशन थी, जो आपकी बहू थी वो बोली थी, या जो आपका बेटा जो बोली थी, आपकी जो नाती या पोता जो भी बोला था उसका मतलब ये था। कभी कभी क्या होता है कि जो इंटरप्रिटेशन होता है वो इतना खतरनाक होता है जिसको हम मिसकम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। तो दोस्तों मेरा मतलब ये था कि ग्रुप डिस्कशन से, कि आप ग्रुप डिस्कशन ऐसी चीजें दोस्तों क्या करते हैं कि हम लोग कॉलेज में करते हैं, अपने जॉब पे करते हैं, बिजनेस में करते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा बिजनेस होता है वो होता है फैमिली बिजनेस, लेकिन वो उसको हम साइड ट्रैक कर देते हैं या बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं होती। कुल मिला के फैमिली है, इतना सुंदर सा एक ऊपर वाले ने आपको एक परिवार दिया हुआ है, और अगर वो खुश है एक गुलदस्ते की तरह, सारे फूल हैं खिले हुए हैं, तो सब कुछ फिर पूरी दुनिया आपको एक गुलदस्ते की तरह लगती है। अदरवाइज जब फैमिली में खुशहाली नहीं है लोगों में, तो फिर क्या होता है कि थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल भी हो जाता है। चलिए दोस्तों तीसरे तरीके पे आते हैं कि तीसरा ऐसा तरीका कौन सा हो सकता है जिससे कि हम ये जो फैमिली में डायलॉग होता है, फैमिली मेंबर बोलते हैं अरे इस घर में तो मुझे कोई समझता नहीं, नोबडी अंडरस्टैंड मी इन दिस हाउस, तो जो तीसरा तरीका दोस्तों वो ये है कि हैव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड। क्या मतलब है इसका? अब जैसे सपोज किया कि जैसे मैंने बताया कि जो एक टिपिकल मैंने एग्जांपल लिया था कि आप हस्बैंड वाइफ हैं और दो बच्चे हैं और आपकी बहन और आपके मम्मी पापा, ये सात लोग उस परिवार में रहते हैं। अब क्या होता है कभी कभी कि आपके माँ बाप हैं वो सीनियर हैं, वो कोई काम आप करने नहीं देंगे, अरे माँ बाप हैं, और इसी तरीके से हो सकता है कि आपकी जो बहन है मतलब आपकी वाइफ की जो ननद है वो कॉलेज स्कूल जाती है तो वो भी बिजी है, उसके बाद आपके बच्चे स्कूल, तो अल्टीमेटली ये हो सकता है कि आपकी वाइफ को भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़े, तो उस केस में क्या होगा, वो भी बेचारी एक इंसान है, तो आप क्या करें कि हर एक को प्रॉपरली एक रोल्स डिफाइन कर दें कि आपकी जो बहन है कहने मतलब जो ननद है आपकी वाइफ की, तो वो कुछ काम अपने किचन में बटा लेगी, आपके जो बच्चे हैं कभी वैक्यूम कर देंगे या कोई चीज इस तरीके से लॉन्ड्री कर देंगे, आपके मम्मी है कुछ नहीं, तो क्लियरली इसमें भावनाएं हमें मार डालती हैं दोस्तों। आपकी मम्मी है अपनी सब्जी काट देंगी, पापा हैं वो आप बच्चों को थोड़ा सा बाहर घुमा लाएंगे, या मतलब सी डोंट होल्ड ऑन मी, अरे पापा मम्मी बच्चे घुमाने के लिए आए क्या, तो वो मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि हर एक एक रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो लोग अपने मन से करते हैं, लेकिन जब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी डिफाइंड होती है तो क्या होता है एक ओनरशिप टास्क की जाती है, तो फिर क्या होता है दोस्तों कि आदमी दूसरे पे उंगली उठाने से पहले सोचेगा कि हमें जो अपना रोल या जो काम मिला है मैं उसको मैंने किया है कि नहीं, तो उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली बहुत सी सारी चीज़ें होंगी। अदरवाइज जब ज्यादातर लोग होते हैं इनके पास कोई काम नहीं होता है, नहीं दिया जाता है, तो इस वो बने ही घर में इसलिए होते हैं खाली दूसरों पे उंगलियां उठाने के लिए, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुमने ऐसा किया, लेकिन जब खुद भी कोई रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उम्र के हिसाब से और आपके उसके हिसाब से अगर आपको दी जाएगी आपके एजुकेशन और आपकी क्वालिफिकेशन और एज के हिसाब से, तो उसमें क्या होगा कि बहुत आसानी हो जाती है और फिर बहुत ही जीने में अच्छा सा मज़ा लगता है दोस्तों। तो ये रहा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़, छोटी छोटी चीज़ें कि अब वीकेंड में ग्रॉसरी खरीदने जाना है तो आपके बच्चे, तो बच्चे को बोल दिया ठीक है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप फ्राइडे को लिस्ट बनाओगे कि ग्रॉसरी में क्या क्या आना है, मम्मी से डिस्कस करो, दादी से डिस्कस करो, दादाजी से डिस्कस करो, कोई खास चीज़ तो नहीं चाहिए, तो इस तरह की छोटी चीज़ आप क्या कर रहे हो, पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हो, एक कम्युनिकेशन हो रहा है, और कोशिश करो जानने की कि किसको क्या चीज़ पसंद है, हो सकता है पापा को भिंडी पसंद है और तो हो सकता है मम्मी को करेले पसंद है जो कि नॉर्मली नहीं होते, और किसी को अरबी पसंद है तो किसी को आलू के पराठे पसंद, तो देखो हेल्थ को ध्यान में रखते हुए फिर क्या है कि कोशिश करो कि हर एक की पसंद की चीज कि भाई मम्मी की पसंद की सबसे बनेगी। अब देखो क्या हो गया इससे कि फैमिली सच में एक गुलदस्ते की तरह मुस्कुराने लगी, सबको अपनी इंपॉर्टेंस, एवरीबॉडी वांट्स टू बी हर्ड, एवरीबॉडी वांट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड, हर एक अपना इज्जत और सम्मान चाहता है कि हम हैं, तो सबको आप इज्जत दें और सबके, तो उसमें क्या होगा फिर बहुत मजा आएगा दोस्तों। अब इतना टाइम होता बहुत डिटेल में तो नहीं जा सकते नहीं तो, और कोई नई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक ही है कि एक प्रॉपर फॉर्म में करता हूँ और फिर मज़ा आता है, और यही चीज़ जब कोई बोलता है आज की डेट में कितने भी आप मूवीज़ देख लें, कोई बुक पढ़ लें, कितने भी मोटिवेशनल स्पीचेस सुन लें, सब इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बोली जा चुकी है, ऑल दीज आर बोरोड इन्फॉर्मेशन, लेकिन क्या होता है कि तुरंत सुनते हैं तो वो चीज़ एकदम से आपके माइंड में सामने आ जाती है, और अगर उस पर एक्ट कर लेते हैं और उसी को अगर हैबिट में डाल लें,
फैमिली आपका गुलदस्ता बन गया दोस्तों, गुलदस्ता बन गया। तो चलिए इसके पहले कि मैं लास्ट वाले पे जाऊं, चलिए सर लास्ट वाला बोल ही देते हैं। तो लास्ट वाला क्या है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा छोटा सा है, क्यूट सा है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सा भी है दोस्तों। और वो क्या है, हमारा जो पांचवा तरीका कि हमने एक बार से फिर रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों, आज का टॉपिक था जो बहुत सारे हमारे गेस्ट बाद में भी ज्वाइन किए हैं। तो आज का टॉपिक था दोस्तों दैट पॉपुलर डायलॉग फैमिली में होता है ना दोस्तों कि नोबडी अंडरस्टैंड मी, इस घर में तो मुझे कोई समझता ही नहीं है दोस्तों। तो ये था आज का टॉपिक। तो हमने क्या किया इस टॉपिक के लिए, 5 ways to stop दिस डायलॉग फॉर एवर इन योर फैमिली एंड लिव हैप्पीली फॉर एवर। तो दोस्तों अभी यहां तक हमने अपने थोड़ा सा अमीन सयानी की स्टाइल में बोलने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता है। तो क्या हुआ कि 1, 2, 3 और 4। अच्छा दोस्तों, इसके पहले कि मैं पांचवें तरीके पे जाऊं, एक चीज शेयर करना चाहूंगा। क्या हुआ कि इस कल जो क्या था कि कल सैटरडे था और यहाँ पे टोरंटो में एक हमारा हिंदी राइटर्स गिल्ड्स का बहुत ही जबरदस्त एसोसिएशन है, हमारे हिंदी भाषी लोग उससे जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्लेस, बहुत अच्छे अच्छे बुक राइटर जबरदस्त प्रोग्राम करते हैं। और मैं शुरू से इनसे अटैच्ड हूँ, जब पहला इन्होंने एक अंधा युग करके नाटक किया था तो तब से अटैच्ड हूँ, बड़ा मजा आता है। तो कल इसमें क्या लघु नाटक करके इवेंट था, तो छोटे छोटे लोग नाटक इसमें कर रहे थे टॉपिक्स पे लेकर के, तो वहां पे मैं बैठा हुआ था और इतना खूबसूरत कर रहे थे, लेडीज थी, सीनियर थे, यू नो मिड एज थे, सब लोग थे। तो मैं बैठा हुआ था तो वहाँ की जो संचालिका थी वो हमारी शैलजा सक्सेना जी थी। तो शैलजा सक्सेना जी को मैं ऐसे बोला, हमका शैलजा जी मैं भी कुछ कर सकता हूँ क्या? एक मेरे दिमाग में आया है, एक अपनी खुद की आप बीती रियल की स्टोरी मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो अरे बोलती, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल शेयर कीजिए। तो मैंने उनको टॉपिक दे दिया और टॉपिक जो मेरा हिंदी में था वो टॉपिक दोस्तों ये था कि 2 चवन्नियां खो गईं लेकिन। तो दोस्तों ये रियल में स्टोरी है, शायद कहीं आपने सुना भी हो कि मेरी 2 चवन्नियां खो गई थी एक बार रेत में जून के महीने में, और लेकिन फिर उसके बाद वो चवन्नियां खोजते खोजते मुझे क्या लाइफ के लेसन मिले कि आज मैं आपके सामने 12,000 किलोमीटर हिंदुस्तान से बात कर रहा हूँ सिर्फ वो 2 चवन्नियों की वजह से। कभी शेयर करूंगा वो कहानी आपसे। तो बहुत मजा आया, तो कल मैं एक तरीके से प्ले भी कर दिया दोस्तों हिंदी में, और वो पहली बार मेरी लाइफ में कभी ऐसा मौका मिला। सो थैंक यू शैलजा सक्सेना जी, और थैंक यू वेरी मच ऑल द पीपल जो कि वहां पे कल थे और मैंने को परफॉर्म करते हुए देखा। वो वीडियो आपसे मैं शेयर करूंगा क्योंकि वो रिकॉर्डेड था। चलिए तो लास्ट वाले पे आते हैं। तो दोस्तों लास्ट वाला जो है बहुत ही अच्छा है और क्यूट है, और लास्ट का तरीका दोस्तों क्या है कि फैमिली मेंबर जो डायलॉग बोलते हैं कि अरे हमारी तो इस फैमिली में कोई सुनता नहीं है, नोबडी अंडरस्टैंड मी। तो उसका जो पांचवा तरीका है, 4 तरीके मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप इसको सुन सकते हैं, मैं इसकी आपको फेसबुक रिकॉर्डिंग मेरे फेसबुक पे रहेगी। और वो पांचवा तरीका है No reason and no occasion recognition and celebration. दोस्तों अगेन आई विल रिपीट, हैव नो रीजन एंड नो ओकेजन रिकॉग्निशन एंड सेलिब्रेशन। कहने का मतलब कि बिना किसी रीजन के या बिना ना कोई बर्थडे पार्टी है, ना कोई एनिवर्सरी है, कुछ भी नहीं है, ना कोई होली है, ना दिवाली है, ना ईद है और ना क्रिसमस है, जस्ट बिना किसी रीजन और ओकेजन के आप सेलिब्रेशन या रिकॉग्निशन कर सकते हैं। जैसे कि अचानक आएंगे केक देखिए, जैसे देखो सारे सदस्यों की फैमिली में अगर 7 लोग हैं तो पहली बात तो यह कि हर एक की पसंद आपको मालूम होनी चाहिए, आपको मतलब जो घर का मेन है। जैसे मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ एक तरीके से, बाहर जाता हूँ, कमाता हूँ, धमाता हूँ, तो मैं एक तरीके से इकोनॉमिकल मुखिया हो गया। इस तरीके से जो घर का मेन जो लाइक प्राइम मिनिस्टर जो है घर का, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव जिसका रोल है बाहर आने जाने में, तो अगर आपको मालूम है कि आपकी माँ को एक पर्टिकुलर स्वीट पसंद है या एक पर्टिकुलर केक पसंद है या एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पसंद है, तो अचानक एक दिन क्या किया कि सब लोग चलिए भाई आज हम चलेंगे खाना खजा, आई मीन कोई भी जो रेस्टोरेंट मम्मी को पसंद, आज मम्मी की पसंद के रेस्टोरेंट हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। अब चलिए वो सेलिब्रेशन हो गया, वहां चाहे तो एक सरप्राइज छोटा सा केक काट दे कि
चलिए मम्मी, हम लोग इतना खुशनसीब हैं कि आपने यू नो सबको बांध के रखा हुआ है इतना प्यार से, तो उसकी जस्ट खुशी में बिना किसी रीजन के, क्या ये रीजन कम है कि आपके माँ बाप जिंदा हैं, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही? तो दोस्तों, उसके लिए कोई आपको बर्थडे और एनिवर्सरी और होली दिवाली का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अचानक ऑफिस से आए, केक लेके आ गए, अचानक ऑफिस लेके आ गए, कोई एक पर्टिकुलर स्वीट किसी को मेंबर को पसंद है, उस मेंबर के नाम से सेलिब्रेशन हो गया बिना किसी रीजन के दोस्तों। तो ये है पांचवा। तो उसको क्या होता है जब आप ऐसा करेंगे तो आदमी को लगता है अरे हमारे हमें को लोग इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, याद देते हैं, तो वो अपने आप को इंपॉर्टेंस फील करते हैं, फिर उससे कभी भी वो डायलॉग उनसे नहीं निकलेगा दोस्तों। तो ये छोटा सा तरीका है। मैं तो घर में तो खैर करता ही हूँ, मैं कभी कभी अपने दोस्तों में करता हूँ, ऑफिस में करता हूँ। इस तरीके से कभी भी आप कर सकते हो। आप वॉलमार्ट में लगे हो और आप जरूर करते होंगे, नहीं तो मैं कभी भी वॉलमार्ट गया किसी स्टोर में कि अचानक मैं खड़ा हो गया पीछे और देखा कोई एजेड सी लेडी है, थोड़ा सा खड़ा ही होता हूँ इस तरीके से जान के कि शायद यू नो। तो कभी कभी क्या होते हैं, वो लोग देखती रहती है कि अरे सपोज कर 20 आइटम उनको लेने हो, 15 आइटम वो देखती रहती है रजिस्टर, कैश रजिस्टर के, अरे अब उनके पैसे खत्म हो गए इतने तक ही खरीदना, तो फिर वो बोलती हैं रजिस्टर से कि अरे बस स्टॉप इट। और तीन, दो ही तीन आइटम बचे होते हैं कभी कभी जिनकी वैल्यू $3-4 या $2 होती है, तो आप क्या करें, एक्सक्यूज मी करके, और बोले कैन आई पे इफ यू डोंट माइंड। तो कभी कभी मैं बोलता हूँ तो बोल देती है नो थैंक यू वेरी मच बट नो आई एम फाइन, और कभी कभी बोलती है आई डोंट माइंड, और उसके बाद कभी कभी लोग गले मिल जाते हैं, एट टाइम्स पीपल क्राइड आल्सो, यू नो कैन यू अंडरस्टैंड। बात $2-3 की नहीं है, बात सोच की है दोस्तों कि कितना कंपैशन है। जब आपके पास कंपैशन लोगों के लिए होगा, इंसानियत के लिए होगा दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। अब बताइए, मैं 12,000 किलोमीटर दूर आपसे यहाँ पे बैठे अपनी फैमिली में टाइम में आज इस रात को इस समय इतने बजे कर रहा हूँ, क्यों? अच्छा लगता है दोस्तों। आज मैं हूँ, कल इस दुनिया में नहीं रहूँगा। कितनी टाइम कितना जल्दी पास होता जा रहा है। एक अर्जेंसी है कि जितना दे जाओ। किसी ने बोला है कि दुनिया में आप क्या छोड़, जो दूसरों को देते हो वो सही में आप इस दुनिया में छोड़ के जाते हो। आप अपना घर द्वार पैसा रुपया वो टेम्परेरी है, 50 साल बाद नहीं रहेगा, लेकिन आप जो दुनिया में देके जाओगे वो यादों के रूप में वो उस तरीके से हमेशा आपको जिंदा रखेगा दोस्तों। तो गिविंग इज द रियल आर्ट एंड गिविंग इज द रियल रीजन फॉर हैप्पीनेस। तो ये रहा दोस्तों। अब चलिए जल्दी से लास्ट में थोड़ा बोनस भी दे देते हैं आपको, है? तो बोनस देने के पहले मैं क्या करता हूँ कि एक बार जल्दी से मैं थोड़ा सा सारे नाम, जैसा कि मैं बताता हूँ कि सबसे अच्छा मुझे लगता है जब अपने दोस्तों के नाम जो है वो यहाँ पे लेता हूँ, जिन्होंने अपना इतना कीमती वक्त मेरे को दिया आज मंडे मॉर्निंग की सभा में। तो चलिए उन खूबसूरत नामों को, अपने दोस्तों को एक बार मैं फिर से नाम लेता हूँ जिन लोगों ने मेरे को यहाँ पे ज्वाइन किया और अपना कीमती वक्त दिया। तो दोस्तों चलिए, तो मैं नाम लेता हूं जल्दी से, अली रजा साहब, रघुवीर चौहान जी, पॉल सिद्धू साहब, डेरेक मार्टिन जी, थॉमस राउजो जी, डेबी क्लर्क, करण खाटकर जी, जीतू सिंह जी, हरकान पटेल जी, नजीब हसन साहब, अतुल मिश्रा जी, ध्रुवी गुप्ता जी, रमनजीत सिद्धू जी, एजाज कुरैसी जी, प्रवीण पटेल जी, नरेश शर्मा जी, and Naresh Sharma ji ne comment kiya, thank you very much, yeah Naresh Sharma ji, thanks a lot, and then Saab Sahota ji, Nashreen Khan sahiba ji, aur Mishra, Satish Mishra ji, Ashish Mishra, hamare Saleh sahab ji, Harvinder Babra ji, aur hamare Gurinder Singh ji, J. Jayakanthan ji, sorry if I'm not able to pronounce your name sometime, and Sashank Pratap ji, और हमारे विकी करीर जी, अरे क्या बात है क्या बात है, और करमजीत सिंह मान जी, हमारे टोनी शर्मा जी, रुपिंदर हेयर जी, नीरा पचीसा जी हमारी दिल्ली से और अभी यूएस आई हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, और हमारे राम मूर्ति साहब हमारे जिराक से हैं और रिटायर्ड हैं, इस समय शायद मोदीपुरम में रहते हैं, तो हमारे राम मूर्ति साहब, सौरिन दबे साहब, इवाडी एन बाशंगी साहब, एंड करीम लडक जी, एंड कन्वर प्रीत छत्रा जी, बर्नार्ड वॉन स्पाइक, एंड हमारे
चंदन कुमार जी से। थैंक यू वेरी मच दोस्तों ज्वाइन करने के लिए। तो चलिए लास्ट में कुछ बोनस आइटम है मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, लेकिन इसके पहले जल्दी से रैप अप करता हूं कि आज का टॉपिक क्या था और 5 पॉइंट क्या थे। सो दोस्तों आज का टॉपिक क्या था कि हमारे फैमिली में जो सदस्य होते हैं, कोई चाहे हमारी माँ हो सकती हैं, दादी माँ हो सकती हैं, सासू हो सकती हैं, बहन भाई कोई भी मेंबर हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, वो हमेशा सुना होगा अपनी ये डायलॉग मारते हुए कि अरे इस घर में तो मेरी कुछ कोई इज्जत ही नहीं है, मेरे कोई कुछ सुनता ही नहीं है, मेरे कोई समझता नहीं है, इस तरह के डायलॉग होते हैं। तो उसी का मैंने आज सोल्यूशन दिए कि 5 वेज टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ द डायलॉग इन योर फैमिली एंड लिव हैप्पीली फॉर एवर। सो जो पहला तरीका था दोस्तों वो ये था कि हैव ओपन डिस्कशन विद कंसर्न पार्टी। जो लोग ऐसा बोलते हैं उनसे ओपन डिस्कशन कीजिए कि एक्चुअली है क्या, सुनिए। कभी कभी सुनने से दोस्तों आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और उसके बाद हैव फैमिली ग्रुप डिस्कशन कि अपना फैमिली ग्रुप एक साल में एक बार या दो बार तीन बार जितना कर सकते हैं सारे फैमिली के फैमिली मेम्बर इकट्ठा होके और हर एक इंसान को हर एक बंदे को हर एक मेंबर को 2-3 मिनट दें कि आप बोलें आपकी कैसा लग रहा है आपको, हाउ यू फील, अच्छा खराब क्या, तो उससे बहुत अच्छा रहता है। और तीसरा दोस्तों कि हैव रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी, लोगों को रिस्पांसिबिलिटी दें, जो बच्चे हैं बड़े हैं उनको उनके हिसाब से उम्र के हिसाब से और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको रिस्पांसिबिलिटी दें एंड लेट एवरीबडी टेक ओनरशिप देयर ओन रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी और उनको रिकॉग्नाइज और अप्रिशिएट करें अकॉर्डिंगली जो भी वो टास्क अपना करते हैं एंड आस्क द सॉल्यूशन। अच्छा दोस्तों ये शायद मैं रह गया था, नहीं बोल पाया था क्या, सॉरी तो शायद चौथा रह गया था। तो चौथा दोस्तों क्या था कि हैव रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद क्या है कि चौथा बहुत इंपॉर्टेंट रह गया था, वो मैं शायद मिस कर गया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो चौथा रीजन था कि आस्क द सॉल्यूशन फ्रॉम द कंसर्न पार्टी। दोस्तों क्या होता है कि जो लोग बोलते हैं ना, जब आप 1-to-1 डायलॉग करेंगे जो स्टेप 1 था या ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो उस टाइम पे जो डिस्कशन होंगे तो सब सुन करके फिर आप क्या करें कि जो आदमी या जो मेंबर बोल रहा है कि उसकी ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से बोल रहा है कि हमारी कोई नहीं सुनता, तो पहले आप क्या करें कि उसी से पूछें कि सोल्यूशन क्या है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि टू फाइंड अ फॉल्ट, फाइंड कंप्लेन, फाइंड प्रॉब्लम वेरी इजी, किसी भी गलतियां निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन कभी आपसे अगर सोल्यूशन मांगा जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है दोस्तों। तो क्या करें, जो मेंबर फैमिली का है जिसकी जो कंसर्न है कि हम वो इसकी प्रॉब्लम है या इसलिए वो हैप्पी नहीं, तो पूछे सोल्यूशन की क्या हो फैमिली में कि आप खुश रहें, या तो ये बोलेगा हाँ ये होना चाहिए। तो ये चौथा था दोस्तों कि आस्क द सॉल्यूशन फ्रॉम दैट कंसर्न पार्टी, द कंसर्न पर्सन, जिसकी प्रॉब्लम उसी से सॉल्यूशन पूछे पहले कि क्या इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है जब आदमी खुद सॉल्यूशन देता है तो कभी कभी बहुत आसान सा सॉल्यूशन होता है, उसको कर दें, और उसके बाद भी अगर वो ना खुश है दोस्तों तो उसके बाद क्या होगा, उसको थोड़ी सी तो शर्म आएगी या थोड़ा सा तो भी वो एक फील करेगा कि देखिए अदरवाइज फिर मतलब ही क्या होता है फैमिली का अगर ऐसा नहीं है। और कुछ समय ऐसा होता है दोस्तों कि चीज़ें बियॉन्ड अवर कंट्रोल होती हैं तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, बस केवल हम कोशिश ही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम कुछ बोनस आइटम पे आते हैं। और बोनस आइटम ये है कि आज की डेट पे दोस्तों हम जहाँ जा रहे हैं तो एक समय था कि जनरेशन गैप हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट किया है, ठीक है, जो जनरेशन गैप होता है, लेकिन जनरेशन गैप इतना ज़्यादा गैप कभी नहीं रहा जितना आज है दोस्तों। आज जो नई न्यू टेक्नोलॉजी है, चाहे वो सोशल मीडिया, सेलफोन, कंप्यूटर, क्या क्या हो रहा है दोस्तों, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे एल्डरली लोग हैं, जो रिटायर्ड हैं, इन चीज़ों को सीखें। जब इन चीज़ों को सीखेंगे, व्हाट्सएप यूज़ करेंगे, फेसबुक यूज़ करेंगे, यूट्यूब यूज़ करेंगे, लैपटॉप यूज़ करेंगे, आईपैड यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जितना ज्यादा ये यूज करेंगे तो उससे जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, खुद के चिल्ड्रन हैं, उनसे थोड़ा सा एक गैप कम होगा कि अंडरस्टैंडिंग होगी कि हर लोग इस चीज़ इन चीज़ों को यूज करते हैं। तो एक तो ये बोनस पॉइंट है कि इन चीज़ों से डरे नहीं, इन चीज़ों अरे हम तो इस जमाने के हैं, हमारे जान तो था ही नहीं, वो डायलॉग छोड़ दें, चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करें, बहुत मजा आएगा दोस्तों आपको, नई नई चीज़ें सीखें या बुक सुने, बुक पढ़ें, बुक खुद लिखें और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से बोलें कि बेटा आप जैसा सपोज कि आप दादाजी हैं कि अपनी एक्सपीरियंस को आप एक बुक में लिखना चाहते हैं, अपने ग्रैंडसन से, अपने चिल्ड्रन से पूछे कि मुझे बुक लिखना है बेटा, कैसे मैं लिख सकता हूं, और वो तरीका उनको बताइए, वो बिजी हो जाएंगे, उनको खुश होगा, उनकी आप बुक पब्लिश भी करवा सकते हैं, आज के समय में इतना आसान हो गया है दोस्तों। एक ये बोनस का तरीका है। दूसरा तरीका ये है दोस्तों, मैं
ये जो तरीका बोनस बताने जा रहा हूं ये उनके लिए है जो जो कि बोलते हैं कि अरे हमारी कोई सुनता नहीं, उनके लिए भी है और जो नहीं बोलते हैं उनके लिए भी है। तो वो दूसरा जो बोनस पॉइंट वो है, चार बोनस पॉइंट है। तो पहला वाला है कि जो टेक्नोलॉजी को लर्न और यूज करने की कोशिश करें, और दूसरा पॉइंट है कि डू नॉट टेक थिंग्स पर्सनली। तो दोस्तों चीजें बहुत पर्सनल लेने की कोशिश मत करें। घर में अगर सास बहू ने कोई डायलॉग मार दिया तो सासू ने अपने ऊपर ले लिया कि अरे बहू जो है अपने बच्चों को डांट रही है लेकिन वो मेरे ऊपर। तो लोग अपने ऊपर ले लेते हैं लेकिन वैसा होता नहीं है ज्यादातर केसेस में। तो डोंट टेक थिंग्स पर्सनली दोस्तों। और उसके बाद जो तीसरा है कि डू नॉट मेक अजम्पशंस। कि अगर आपकी सपोज क्या सासू माँ बैठी हुई हैं, बोल नहीं रही हैं, हो सकता है बिचारी अपने आपके ससुर मतलब वो अपने हस्बैंड से ही थोड़ा सा अनबन हो गई हो, लेकिन आपने अज्यूम कर लिया देखिए सासू माँ गुस्सा बैठी हुई, मेरे से गुस्सा बैठी। तो दोस्तों ये अजम्पशंस बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अज्यूम नहीं करें, उसको क्लियर कर लें। और लास्ट में और वो ये है कि जस्ट डू योर बेस्ट। जो भी सीन है अपना बेस्ट करें। अपना बेस्ट क्या कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा डायलॉग मार रहा है उनसे आप बात कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, उसके बाद उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके हाथ में है। तो दोस्तों पता नहीं आज एक ऐसा टॉपिक आ गया, मैं तो बस ऐसे ले लेता हूँ और दिल से बोलता हूँ। तो दोस्तों अगर कोई चीज़ यू नो गलती से ऐसा बोल गया हूँ तो माफ़ कीजिएगा। कोई इंटेंशन कभी किसी को मेरा दुखी करने का नहीं होता है, सिर्फ ये करने को होता है कि ऐसी चीज़ें मैं जब बोलता हूँ लोग सुनते हैं, कोई भी एक चीज अगर कभी उनको कि मैं तो बोलता हूँ इतने लोग 200 लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अगर किसी एक आदमी को कोई एक चीज़ सही लग गई और उससे एक छोटी सी भी खुशी या हैप्पी मोमेंट फैमिली में आ गया, तो दोस्तों आपसे हिंदुस्तान से 12,000 किलोमीटर दूर बैठ के जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मेरा सारा वक्त बिल्कुल बिल्कुल जो है कि फ्रूटफुल हो जाएगा दोस्तों। और कोई अगर ऐसा वाकई आपके साथ हो जितने भी मैं पिछले 4-5 महीनों से हर मंडे को कर रहा हूँ, तो जरूर शेयर कीजिएगा। आप मेरे पर्सनल पे शेयर कर सकते हो या पब्लिकली शेयर कर सकते हो, मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे बहुत आत्मविश्वास बढ़ेगा और रादर मुझे सपोर्ट और इनकरेजमेंट मिलेगा और ऐसा कंटेंट और क्रिएट करके और शेयर करने के लिए दोस्तों। तो जल्दी से अब ये आज का समय मैं खत्म करता हूँ दोस्तों। एक बार जल्दी से फिर से थोड़ा सा लोगों ने जो नए लोगों ने ज्वाइन किया है, चलिए एक बार से फिर से नाम बोल देता हूँ कि हमारे अली रजा, रघुवीर चौहान, पॉल सिद्धू, डेरेक मार्टिन, थॉमस आरजू, डेवी क्लॉर, करण खातकर, जीतू सिंह, हरकांत पटेल, नजीब हसन, अतुल मिश्रा, ध्रुवी गुप्ता, रमनजीत सिद्धू, एजाज कुरेशी, प्रवीण पटेल, नरेश शर्मा एंड साहब सहोता, नसीम खान, सतीश मिश्रा, आशीष मिश्रा, हरबंदर बाबरा, गुरविंदर सिंह, जयकांथन, शशांक प्रताप सिंह एंड विकी करीर, करमजीत सिंह एंड टोनी शर्मा, रुपिंदर हेर, नीरज पचीसा, राम मूर्ति, शरण दबे, इवोदी एन भागनशाली, करीम लदक एंड करणप्रीत छत्रा, बर्नार्ड वन स्प्राइक, चंदन कुमार, और अभी जो नया ज्वाइन किए हैं वो हमारे कमल अनवर कुरेशी साहब एंड कमर अबासियान एंड कम एंड सोनी सिंह एंड सिमर गिल जी। सो थैंक यू वेरी मच। एंड दोस्तों आप देख नहीं सकते लेकिन आई सल्यूट यू ऑल ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो कैनेडा एंड थैंक यू वेरी मच। दिल से शुक्रिया आप सभी का मुझे ज्वाइन करने के लिए और सुनने के लिए। आप अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा, कुछ भी इसमें अगर अच्छा लगा हो और कुछ भी और टॉपिक आप अगर इंक्लूड करना चाहें मुझे बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, इस वादे के साथ कि अगले सोमवार को इंडियन टाइम 8 AM इस हिंग्लिश मंडे मॉर्निंग सभा में, मंडे मोटिवेशन मॉर्निंग सभा में फिर आपसे मुलाकात होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका दोस्त राकेश, आपका दोस्त और होस्ट राकेश मिश्रा आपसे विदा लेता है ये वादा देके कि अगले सोमवार को फिर मुलाकात होगी। दोस्तों थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी। बड़ी खुशी होती है, जाने का दिल नहीं कर रहा है दोस्तों, लेकिन दुनिया में और भी जिम्मेदारियाँ हैं और बस इसी तरीके से हमेशा आपसे बातें करता रहूं और शेयर करता रहूं। और आप भी कुछ शेयर करें हमारे कमेंट्स में या पर्सनली कि अरे राकेश जी ये तरीके भी हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, थोड़ा सा एंगेजमेंट इंटरेक्शन होगा, मज़ा आएगा। तो दोस्तों वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। और बस आपसे मुलाकात फिर मंडे को होती है। शुक्रिया दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल,
स्टे ब्लेस और आप लोग हमेशा इसी तरीके से मुस्कुराते रहें और आपको ऊपर वाली इतनी ताकत दे कि हर तरीके की जिम्मेदारियों को आप निभा सकें और चैलेंजेस को फेस कर सकें। सो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच एंड आई सल्यूट यू इनविजिबल सल्यूट फ्रॉम योर दोस्त राकेश मिश्रा। बाय बाय, यू टेक केयर, सी यू नेक्स्ट मंडे अगेन। बाय बाय।